दोस्तों आईपीएल 2024 के ऑक्शन को लेकर 26 तारीख को हमें पता चलेगा कौन सी टीम कौन से प्लेयरों को रिलीज कर रही है, कौन से प्लेयरों को कर रही है रिटेन। लेकिन इससे पहले ट्रेडिंग विंडो जो है वो ओपन है और लगातार बड़ी बड़ी ट्रेड हमें जो है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी किस तरह से टीमें बड़े बड़े प्लेयरों को रिलीज कर सकती है या फिर उन्हें ट्रेड कर सकती है, और हमने दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम की जब बात की थी तो हमने बात करी थी किस तरह से आवेश खान इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, किस तरह से देवदत्त पड़िकल इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और अब यहां पर इन दोनों ही प्लेयर का ट्रेड जो है वो हो चुका है, कंफर्म ट्रेड हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच। जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में पिछले साल तक थे आवेश खान, अब हमें खेलते हुए नजर आएंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम में, और राजस्थान रॉयल्स की टीम में पिछले साल तक थे देवदत्त पड़िकल, अब हमें नजर आएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में। ये बड़ा ट्रेड दोस्तों आज ही जो है वो हुआ है कंफर्म, और इसके बाद दोस्तों इस ट्रेड के बाद और भी कई सारे ट्रेड हमें होते हुए जो है वो नजर आ सकते हैं। और यहां पर एक ट्रेड की खबर जो कि काफी ज्यादा क्लोज है वो है रबाड़ा के ट्रेड की। पंजाब किंग्स की टीम रबाड़ा का ट्रेड जो है वो कर सकती है या फिर उन्हें रिलीज जो है वो कर सकती है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या आने वाले टाइम में अपडेट हमें देखने को मिलती है, क्या ये ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक ट्रेड दोस्तों जो कि हम देखना चाहते हैं स्पेशली वो है शिवम मावी का। शिवम मावी जो कि इस समय है गुजरात टाइटंस की टीम में, बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये प्लेयर है। लेकिन गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो प्लेइंग 11 में इनकी जगह बनती हुई हमें नजर नहीं आती। यहां पर दोस्तों बात करें अगर फास्ट बॉलर की गुजरात टाइटंस के, तो इनके पास है मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, अल्जारी जोसफ, जोसिया लिटिल जैसे फास्ट बॉलर, और इसीलिए दोस्तों शिवम मावी की जगह जो है प्लेइंग 11 में बनती हुई हमें नजर नहीं आती। लेकिन शिवम मावी जिस तरह के प्लेयर है जरूर से इन्हें प्लेइंग 11 में मौका जो है वो मिलना चाहिए। तो यहां पर अगर इनका ट्रेड हो जाता है तो शिवम मावी के लिए भी ये काफी अच्छा होगा और यहां पर जिस टीम में वो जाएंगे उस टीम के लिए भी काफी अच्छा होगा। एक टीम की बात करें जिनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है शिवम मावी जैसे इंडियन फास्ट बॉलर की, वो टीम है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। हमेशा से ही इंडियन फास्ट बॉलिंग इनकी एक वीकनेस जो है वो रहती है, और अगर शिवम मावी आ जाते हैं आरसीबी की टीम में तो यहां पर एक बड़ी इनकी जो वीकनेस है दूर होती हुई हमें नजर जो है वो आ सकती है। लास्ट ईयर भी काफी सारे इंडियन फास्ट बॉलर आरसीबी की टीम ने जो है वो ट्राई किए थे और ज्यादातर दोस्तों फ्लॉप होते हुए ही हमें इंडियन फास्ट बॉलर नजर आए थे। तो अगर ये ट्रेड हो जाता है शिवम मावी का तो यहां पर आरसीबी के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, साथ ही साथ शिवम मावी के लिए भी फायदेमंद होगा, उन्हें प्लेइंग 11 में जो है वो मिलेगी जगह। देखते हैं यहां पर किस तरह की अपडेट आने वाले टाइम में निकल कर आती है, जैसी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे या वीडियो बनाकर या अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को कर लीजिए ज्वाइन। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।